हे गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमाटेक। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MIUI 13 के कुछ फीचर्स को कैसे अपने MIUI 12 के अंदर है जो इंस्टॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूट। तो यहाँ पे रूट करना पड़ेगा अपने डिवाइस को। बाकी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ और क्या फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, तो उस चीज़ों के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करते रहना। अगर आप चैनल पे न्यू तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे करके वीडियो को भी यहाँ पे ज़रूर से लाइक कर देना। यहाँ पे जो अपने पास डिवाइस यूज कर रहा हूँ, जिसका मैं आपको यहाँ पे रिव्यू देने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ये चीजें इंस्टॉल करूंगा, वो है मेरे पास रेडमी का नोट 5 प्रो। और इसके अंदर मेरे पास जो है रिकवरी वगैरह इंस्टॉल्ड है, रूटेड डिवाइस है। तो यहाँ पे मैं एक MIUI की मॉडेड रोम यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है, जिसका वर्जन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। MIUI 12 के ऊपर बेस्ड है और एक्समॉर्स OS देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे MIUI 12 का वर्जन देख सकते हो और ये MIUI 12 के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल जाता है MIUI 13 का पावर मेन्यू। तो ये चीज़ आप एक इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड, आपका नोटिफिकेशन शेड है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी आपको कुछ इतना ऊपर देखने को मिलता है और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर कैसे चेंज कर सकते हो। देन आपका ये कंट्रोल सेंटर है, इसको आप राउंडेड वगैरह कर सकते हो और काफ़ी सारी आपको रिंगटोन्स भी देखने को मिलेंगी उस जो है मैजिस्क मॉड्यूल के थ्रू। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस को रूट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली जाना है रूट के बाद मैजिस्क मैनेजर के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है फाइल्स के अंदर, जहाँ से आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे। तो इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको वो फाइल है यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, MIUI 13.1.0.zip। तो इसको इंस्टॉल करना है, वेट करना है, ये थोड़े टाइम में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे जो एक रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको रीबूट पे जो है सेट कर देना है, ये आपका डिवाइस रीबूट हो जाएगा। फाइनली गाइस, हमारा डिवाइस रीबूट हो चुका है और ये जो मैजिस्क मॉड्यूल है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ मैजिस्क मैनेजर के अंदर चल के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो MIUI 13 बीटा ओ बीटा 2 आपको ये देखने को मिलता है। एक मॉडेड आपको एक फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आई थिंक आपको मे बी MIUI 13 के अंदर मिल जाए और हो सकता है आपको ना भी मिले। बट यहाँ पे कुछ UI के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो इस मैजिस्क मॉड्यूल के थ्रू। तो सबसे पहला चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका नोटिफिकेशन शेड, ये टोटली यहाँ पे राउंडेड हो चुका है। आइकन्स आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा नीचे हो चुका है अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके डिफॉल्ट MIUI 12 के डिफॉल्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है। अब मैं सेकंड आपको चीज़ बताता हूँ, ये है हमारा कंट्रोल सेंटर के अंदर। यहाँ पे ये जो स्लाइडर है और ये आइकन्स आपको राउंडेड देखने को मिल जाते हैं अगर आप इस मॉड्यूल को फ्लैश करते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस पता लग जाएगा। थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर MIUI 13 के अंदर मे भी आने वाला आपको ये जो पावर मेन्यू है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप डबल टैप करते हो तो आपका ये कुछ इस टाइप से स्विच हो जाएगा। ये तीन चीज़ें आपको MIUI 13 के इस मॉड्यूल के थ्रू अपने डिवाइस के अंदर आपको एक्टिवेट करने का एक मौका मिल जाता है। अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और काफ़ी सारी आपको यहाँ पर रिंगटोन्स भी देखने को मिलती हैं। जब मैंने इस जिप को देखा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो है एक रिंगटोन्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, रिंगटोन्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ऑल रिंगटोन्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं रिंगटोन्स के रिलेटेड। काफ़ी सारी न्यू रिंगटोन्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इनका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।